हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छी होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सीरीज़ चल रही है, कमेंट्स के ऊपर चल रही है। जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और जितने भी लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के भी काम आ सकते हैं, तो वो मेंशन किए जा रहे हैं इस पे स्क्रीन पे, और इसके उसके साथ आंसर दिए जा रहे हैं, एलाबोरेट किया जा रहा है हर एक कमेंट्स को, और जिससे दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। तो जो मेंशन किए जा रहे हैं नाम, उनके भी जो है कमेंट्स आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग टू अदर। जैसे सुमन ने करा है, अर्शिद ने करा है, एंड देन मोजीन खान ने करा है, फिल्म की दुनिया ने करा है। तो ये अप्रिशिएशन के जो है आए मैसेज, तो इल्म की दुनिया ने भी करा, थैंक यू सर। एक पढ़ इनमें से एक पढ़ लेता हूँ मैं कमेंट जो है, जैसे इल्म की दुनिया वालों ने जो करा है मैसेज, थैंक यू सो मच सर, डू यू आर डूइंग द ग्रेट जॉब, प्लीज़ कंटिन्यू दिस वर्क, हेल्प अदर दोज हु रियली नीड, या वी आर हेयर फॉर हेल्पिंग द अदर्स, दैट्स आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़। एंड इन्होंने अपने डॉटर के लिए स्कोर पूछा था, तो उनको बता दिया गया था। उन्होंने एक एक पर्सनली एक उन्होंने भेजा भी था लिंक उनकी वीडियो का, मैंने सुना भी था। आई थिंक वो मेहनत के ऊपर था, मतलब हार्ड वर्क के ऊपर। कोई फेमस ऑथर हैं खलील जिब्रान, उनकी बुक पे, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने शायद आई थिंक टीम से कहा भी था कि जो है डिस्क्रिप्शन में उसको आप रखें, अच्छा वीडियो था, सुनना चाहिए स्टूडेंट को। देन जो कमेंट स्टार्ट करते हैं, ये साक्षी का है, साक्षी पटेल ने करा है, सर प्राइवेट कॉलेज में MBBS करना सही है या नहीं? तो साक्षी, ऐसा है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस तो वेल एंड गुड, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल रहा है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा जिस स्टूडेंट को गवर्नमेंट मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट से ही करेंगे, और करेंगे भी यूजुअली। स्टूडेंट को अगर गवर्नमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBBS मिलता है तो उससे करते हैं, अगर नहीं मिलता तो वो प्राइवेट कॉलेज लेते हैं। और प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा है, अगर आपने सेकेंड अटेम्प या आपका थर्ड अटेम्प है, और आपको अटेम्प आपने कर चुके हैं इतने सारे, और आपको दो या तीन करने के बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट के हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप जो है प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं। तो वेल एंड गुड, वो भी अच्छा है। जॉब्स वगैरह तो आपको मालूम है कि जॉब डॉक्टर्स के लिए जॉब का कोई इश्यू आता नहीं है इन फ्यूचर। प्रैक्टिस वगैरह भी प्राइवेट कॉलेजेस में अच्छी हो जाती है, ऐसा कोई फैकल्टी के हिसाब से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इतना कोई इश्यू आता नहीं है, प्राइवेट में भी अच्छे कॉलेजेस होते हैं। नहीं, शॉर्ट विद सचिन ने कहा है कि सर प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने के बाद 5 साल का रूरल सर्विस देना पड़ेगा, ये कंपलसरी? हाँ बिल्कुल कंपलसरी है सचिन, आपको अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से MBBS करा है तो आप, और आपने स्कॉलरशिप ली है, क्योंकि अगर आपने जो भी आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है या मेधावी या योजना है या जन कन्या, जो भी योजना वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं अगर आपने ली है, तो आपको 5 साल सर्व करना पड़ेंगे रूरल एरिया में जाके। और एक वीडियो भी है हमारी, आप उसको आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे बॉन्ड वाली, तो वो आपको बिल्कुल मिलेगी, आप उसे थोरली देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। देन अमित ने करा है, ब्राउन अमित VT, इन्होंने कहा है कि सर 206 मार्क्स हैं, ST से बिलोंग करते हैं, तो फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिल सकता है और सेकेंड राउंड में? तो अमित, आपको RKDF, MIMS, ST से आप बिलोंग करते हैं तो आपको मिल जाएगा, महावीर भी मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। तानिया शर्मा का है, सर किसी ने CBSE से करी हो, आई थिंक 12th की बात करी है, CBSE से 12th करी हो बट दूसरे स्टेट से, CBSE से इन्होंने 12th करी है दूसरे स्टेट से, और MP का डोमिसाइल है, स्कॉलरशिप मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, अगर आप MP के का आपके पास डोमिसाइल मूल निवासी है, अगर आप MP से बिलोंग करते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि आपने CBSE से करा है, तो आपके पास क्राइटेरिया वही है कि आपको 85% से ऊपर मार्क्स आपके 12th में होना चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तानिया जी, रोहिणी ने करा है मैसेज, सर इसमें कैटेगरी वाइज भी लास्ट ईयर के डालें और कंपेयर करें कि कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं और कितने कितना वीडियो इस पे वीडियो बनाएं। ओके ना रोहिणी, बिल्कुल कंसिडर किया जाएगा, लास्ट टाइम की जो कैटेगरी वाइज की जो है, हम बिल्कुल सर्च करेंगे और इस साइड से कंपेयर किया जाएगा। तो वो जो है कंपेयर, वो हम जब कर पाएंगे जब आप स्टूडेंट जितने भी हैं देख रहे हैं वीडियोज़, वो अपने जो है मार्क्स डालें वीडियो के अंदर, और उस स्कोर के साथ अपने, और कैटेगरी मेंशन करें, तो हमारे पास एक डेटा मिल जाएगा, तो हम कंपेयर भी कर पाएंगे कैटेगरी वाइज कि आपके मार्क्स से ऊपर MP में कितने स्टूडेंट हैं। और अगर आप उस सेंस में कहना चाह रहे हैं कि
जैसे लास्ट टाइम जो इश्यूज चल रहे थे केरला में, कि केरला की जो है रिपोर्ट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से थोड़ी सी डिफरेंट आई, 88 स्टूडेंट्स का कुछ डिफरेंस आ रहा था, तो केरला का मैं ये कहना चाहूँगा, केरला जो है ओपन स्टेट है, वहाँ से जो है बाहर के भी जो है स्टूडेंट्स आके बैठ जाते हैं वहाँ पर, तो थोड़ा सा उसमें इसलिए चेंजेस आए। लेकिन एमपी जो है अपना वो सेमी ओपन है, यहाँ सेकंड राउंड में ही है जो बाहर के लोगों को अलाउ किया जाता है, फर्स्ट राउंड में एमपी को ही फोकस किया जाता है, एमपी के स्टूडेंट को। सो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेट्स में है, केरला और एमपी में। तो मोस्टली एमपी की जो है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था, जो रिपोर्ट दी थी, उसी के आसपास ही रहेगा, कोई डिफरेंस इतना आएगा नहीं केरला जैसा। तो अगर आपने उस सेंस में पूछा है तो मैंने उसको भी क्लियर कर दिया आपको। नेक्स्ट कमेंट करते हैं सेनोरिटा। सेनोरिटा आई थिंक DDLG वाली, वो तो सेनोरिटा नहीं थी, हाँ सेनोरिटा ही थी। तो उन्होंने ही करा है, उन्होंने कहा मैंने छत्तीसगढ़ में के कॉलेज में एडमिशन लिया है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? सेनोरिटा आपने छत्तीसगढ़ में लिया है तो आपको एमपी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो थोड़ा मुश्किल है। आप छत्तीसगढ़ का अगर आपके पास मूल निवासी है तो वहाँ की जो स्कॉलरशिप चलती हैं वो आप ले सकते हैं। अगर एमपी का आपके पास मूल निवासी है और छत्तीसगढ़ में है, तो ये जो स्कॉलरशिप जो एमपी से मिलती हैं वो मुश्किल है थोड़ा सा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आई थिंक आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाए। एमपी कॉलेज के लिए ही जो स्कॉलरशिप्स हैं वो मेंशन भी करी है इससे पहले वीडियोस में, और आप देख सकते हैं वो एमपी के लिए। छत्तीसगढ़ की जो है स्कॉलरशिप अलग चलेगी, आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकती। सो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं सुकेंद्र कुमार तिवारी। सुकेंद्र ने बोला है कि सर मेरी जो है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना MMVY में मेरी ईयरली इनकम जो है 6,94,000 है, तो मैं क्या करूं? तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप जो है मेरा वीडियो वॉच करें जिसमें मैंने पूरा कैटेगरी वाइज बताया था कि इनकम कितनी होनी चाहिए मेधावी छात्र योजना मिलने के लिए आपको। तो जो है 6 लाख से कम ही इनकम होना होनी चाहिए जब जाके आपको मिलती है। एक बार आप वीडियो थॉरली करें तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा इसका। ये जो कमेंट है ये लोकेश ने करा है, लोकेश केरोल। इन्होंने कहा है सर ओरोबिंदो में क्या सीट बढ़ रही है? लोकेश ऐसा है कि चांसेस हैं, अभी कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है, अभी जैसे भी ऐसी न्यूज़ आएगी तो हम आपको बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में, आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। उन्होंने एक और कमेंट लिखा है सर 397 SC पे ओरोबिंदो कॉलेज मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा आपको लोकेश, उसमें मैंने कमेंट में भी आपको मेंशन करा है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और आप जो है ऊपर वाला जो डाउट है आपको, उसके लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, तो नोटिफिकेशन आपने स्टार्ट कर चालू रखा होगा, तो आपको बिल्कुल अगर सीट्स बढ़ेंगी तो आपको बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाएगा। देन जो कमेंट है, ये दो तीन कमेंट्स एक साथ हैं, इसके अंदर है शर्मा जी का है, खिलेश शर्मा। उन्होंने लिखा है गुड वर्क सर, जानकारी देने के, ओके इन्होंने अप्रिशिएट किया है। देन जो है ये शुभम का है, सर कैन वी डू पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी ड्यूरिंग द रूरल सर्विस? तो इसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बनेगी शुभम, आप जो है बने रहे हमारे साथ, इसकी जो है जानकारी आपको पूरी दी जाएगी वीडियो में। तो इस बार यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम इसको, अब नेक्स्ट टाइम। ये जो है राहुल, राहुल ने भी आई थिंक यही करा है कि सर अगर मैं जो है पोस्ट मैट्रिक ST से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज का 2 साल का रूरल एरिया सर्विस करना, बॉन्ड की स्टार्टिंग में 1 साल चलेगा और दूसरे साल PG क्लियर कर लूँ तो क्या रहेगा? राहुल और शुभम मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी जो है नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है इसकी आप बने रहें चैनल के साथ, इसको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसमें जो है कैटेगरी वाइज भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पोस्ट मैट्रिक्स आप कर सकते हैं कौन से नहीं, तो उस हिसाब से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से तो वो वीडियो बनी रहेगी। नेक्स्ट टाइम आपको बिल्कुल इसके बारे में दोनों को जानकारी दी जाएगी। प्रवीण का है, प्रवीण बघेल जी का है कमेंट कि कैन आई गेट ए MGM इंदौर विथ 330 मार्क्स एंड एयर, जो उनके नाम ST की डिग्री। तो बिल्कुल जो है प्रवीण आपको जो है मिल जाएगा कॉलेज, और इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा आपको कि आपकी जो ST की डिग्री में आप बिलोंग करते हैं और आपके 430 है।
नेक्स्ट जो कमेंट है वो साक्षी का है। साक्षी ने कहा है, सर एमपी में एमपी से हूँ, एसटी के से बिलोंग करती हूँ, 339 मार्क्स हैं, तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है? तो साक्षी आपको जो है जबलपुर या ग्वालियर मिल सकता है, सेकेंड राउंड तक आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर तानिया शर्मा का है, सर किसी ये हो चुका है आई थिंक, इसमें जो है सचिन का है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर हूँ, एक वीडियो बनाए, वो बनी हुई है सचिन, आप जाके एक बार देख लें, वो आपको मिल जाएगी। सेकंड उन्होंने कमेंट करा है सचिन ने, क्या कॉलेज के लिए सेमेस्टर में बैक लगने पे भी स्कॉलरशिप मिलती है? हाँ बिल्कुल सचिन, अगर आपका बैक भी लगा है और आपको जो है स्कॉलरशिप स्टार्ट है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा अगर आपका साल पूरा बैक होगा तो उसकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लेकिन जो 4 साल की जो गवर्नमेंट के थ्रू होती है वो आपको मिलेगी। अगेन सचिन का ही है कि एलएन सिटी मेडिकल कॉलेज एंड जो ये सेवा कुंज हॉस्पिटल इंदौर कब ओपन होगा? तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सचिन, जैसी होगी आप बने रहें चैनल के साथ, आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको सब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इसके बारे में। देन अमित का भी है नीचे, अमित ने करा है, अमित प्रजापति ने करा है, मैं वो हाँ के क्या इन्होंने अपडेट, इनको भी अपडेट ही चाहिए, इनको भी अपडेट जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आपको भी अमित बने रहें चैनल के साथ। देन शॉर्ट विद सचिन, इससे पहले भी इनके आ चुका कमेंट, इन्होंने फिर से कमेंट किया है, सर प्राइवेट कॉलेज में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में एमबीबीएस करने पर कितने साल का रूलर बॉन्ड? सचिन ये इसकी पूरी वीडियो बनी है बॉन्ड के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं, इसमें जो है आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर। और देन सर रूलर इन्होंने क्या लिखा है, गौरव ने लिखा है, गौरव का मैसेज, सर रूलर सर्विस के टाइम गवर्नमेंट सैलरी सैलरी देती है या नहीं? बिल्कुल जो है आपको स्टाइफन मिलता है, आपको जो है सर्विस देते हैं जब आपको आराम से जो है 40 से 49,000 के बीच में जो है आपको जो है मिलेगा, इसके अंदर आपको स्टाइफन मिला जाएगा, इसके अंदर स्टाइफन के नाम से सैलरी के नाम से नहीं होता, लेकिन कॉलेज वाइज डिपेंड करता है इसमें कि आपको कौन से कॉलेज से आप पास आउट हैं, गवर्नमेंट से प्राइवेट से और किस लेवल के कॉलेज से आप पास आउट हैं, उस हिसाब से आपको स्टाइफन दिया जाएगा। और देन रुपेश रुपेश आंचल का है आई थिंक, ये रुपेश ने लिखा है, एमपी में बीएएमएच कोर्स में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, जिसमें एमबीबीएस से मिलती, जैसे कि एमबीबीएस से मिलती है? बीएएमएच की भी एक वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल मिलती है, अगर एमपी से हैं तो पोस्ट मैट्रिक पे आपके अगर कैटेगरी वाइज अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हैं तो आपको बिल्कुल मिलेगी, जैसे एमबीबीएस वालों को मिलती है, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी मेडिकल के स्टूडेंट कहलाते हैं, बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी इसमें। सो यहाँ पर एंड होता है कमेंट का सिलसिला, आपने देखे होंगे ज़्यादातर कमेंट मेंशन किए हैं, सर इसमें जो है जो कमेंट है मोस्टली जो है कट ऑफ के अलावा भी जो स्टूडेंट्स को डाउट होता है सबने पूछा है, उसको बिल्कुल एलाबोरेट तरीके से जो है बताया गया है, आपने देखा होगा। और भी अगर कमेंट्स हमारे पास आएंगे तो हम बिल्कुल इसके आगे भी जो है वीडियो बनाएंगे इसके अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर्स, आई थिंक जो है 5 या 6 घंटे बचेंगे जब ये वीडियो आप तक पहुँचेगी, तो हैप्पी एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर एंड स्टूडेंट्स, जितने भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जिन्होंने पढ़ा है, जो है उनके लिए जो है थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एंड एक चीज़ और अनाउंस करना चाहूँगा कि मैं जो है आपको हैप्पी न्यू ईयर के दिन एक जो जैसे ही जो होगा जैसे कल का दिन जो है एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, तो जो भी हैं सब्सक्राइबर उनको एक बेनिफिट मिलेगा, जो सरप्राइज है सरप्राइज जो है आपको जो है बताया जाएगा, तो बने रहें चैनल के साथ, थैंक यू सो मच।